आज से करीब करीब एक हफ्ते पहले हरियाणा के सिरसा और हिसार में दो जगह भयानक गैंग वॉर हुई और इन दोनों गैंग वॉर में 2 से 3 लोग मारे गए। हालांकि जो मारे गए वो भी बदमाशी बताए जा रहे थे, लेकिन गैंग वॉर करने वाले जो लोग थे वो बड़े गैंग से ताल्लुक रखते थे। तो अगर सिरसा गैंग वॉर की हम बात करें तो सिरसा वाले गैंग वॉर में देवेंद्र बमीहा गैंग का कुख्यात गैंगस्टर जग्गा शामिल था, और हिसार वाले गैंग वॉर की अगर हम बात करें तो हिसार के गैंग वॉर में एक काला बड़ाला नाम का गैंगस्टर था जो मारा गया था। इसके ऊपर पहले से एक प्रदीप जमावड़ी नाम के गैंगस्टर की हत्या करने का आरोप था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए उस मामले में उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो अब इन दोनों केसों में क्या अपडेट है, इन अपडेट को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये दोनों गैंग वॉर जो हुई थी, इन गैंग वॉरों को अंजाम क्यों दिया गया था। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, बताएंगे इस दोनों गैंग वॉर से जुड़ी हुई तमाम सारी अपडेट। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज का लाइक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो पहले बात करेंगे सिरसा गैंग वॉर की। तो दरअसल जैसा मैंने पहले कहा कि एक हफ्ते पहले सिरसा में गैंग वॉर हुई और उसी वक्त हरियाणा के हिसार में भी गैंग वॉर हुई। तो सिरसा गैंग वॉर की अगर बात करें तो दो सगे भाई जिनकी हत्या कर दी गई थी वो कोर्ट से पेशी पर गए थे और वहां से जब वापस आ रहे थे अपने भाई और दोस्तों के साथ, तो रास्ते में एक स्कॉर्पियो कार आती है और आगे से पहले तो टक्कर मारा जाता है उनको, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग में दो सगे भाई जो थे वो मारे गए थे। लेकिन इस केस की जब जैसे जांच पड़ताल आगे की गई, CCTV के फुटेज निकलकर सामने आए, तो निकलकर सामने आया कि इस पूरे मामले को गैंगस्टर जग्गा, जो कि देवेंद्र बमीहा गैंग से ताल्लुक रखता है, गैंगस्टर जग्गा ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब हरियाणा के सिरसा की पुलिस ने कई जगह बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी, तो आखिरकार पहले 2-3 बदमाश पकड़े गए, फिर और बदमाश पकड़े गए, और जो इस पूरे गेम का यानी पूरे गैंग वॉर का मास्टरमाइंड था गैंगस्टर जग्गा तख्तमल, तो तख्तमल भी फरार चल रहा था लेकिन उसे राजस्थान के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब उससे पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये खबर बड़ी इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ देखने को मिल रहा था कि पंजाब और राजस्थान के अंदर जो गैंग वॉर का सिलसिला लगातार शुरू हुआ था वो अब हरियाणा के अंदर भी पहुंच चुका था। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर कभी गैंग वॉर नहीं होती, लेकिन हरियाणा के अंदर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से गैंग वॉर का जो सिलसिला है वो पुलिस ने कंट्रोल करके रखा है और हरियाणा के अंदर बदमाश अब उतनी पैठ अपने नहीं बना पा रहे हैं जितनी कभी बनाया करते थे, या फिर आप कह सकते हैं जितनी आज के मौजूदा वक्त में राजस्थान और पंजाब में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जग्गा तख्तमल, जो इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा था, वो पुलिस की कस्टडी में आ चुका है और पुलिस अब उससे इस पूरे मामले में कड़ाई से पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज और आश्चर्य में डालने वाली है पुलिस को। दरअसल जब इस गैंग वॉर को अंजाम दिया गया था तो जग्गा तख्तमल का नाम कैसे पहले सामने आया वो देखने वाली बात है। तो ये कहा गया था कि गैंगस्टर जग्गा तख्तमल ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने लिखा था कि आज जो हत्या की गई है इसका जिम्मेदारी जग्गा तख्तमल लेता है। हालांकि जब जग्गा तख्तमल पकड़ा गया तो उसने एक सिरे से नकार दिया, उसने कहा कि मैं जिम्मेदारी क्या लूंगा, मेरा तो इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट ही नहीं है। हालांकि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि हत्याकांड को हमने अंजाम दिया। तो बड़ा सवाल उठता है कि इन गैंगस्टरों के सोशल मीडिया के पेज को ऑपरेट कौन करता है। जब जग्गा तख्तमल सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, उसका कोई भी पेज नहीं है, तो बड़ा सवाल उठता है, ये जांच पड़ताल का विषय है कि आखिर उसका पेज ऑपरेट कौन करता है, उसके नाम से जिम्मेदारी कौन लेता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पूछताछ चल रही है, जग्गा तख्तमल पुलिस की कस्टडी में है। तो दूसरी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हमने कहा कि हरियाणा के हिसार में जो गैंग वॉर हुई थी, जिसमें गैंगस्टर काला बड़ाला जो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था, पूर्व सरपंच, माफ कीजिएगा, उसके पिता मौजूदा वक्त के सरपंच भी थे गांव के, उसे उस वक्त मार दिया गया जब वो कहीं जा रहा था। लेकिन इस केस में देखा गया कि कुछ लोगों का नाम सामने आया और कहा गया कि जो गैंगस्टर इस गैंग वॉर में मारा गया, यानी कि काला बड़ाला, काला लोहारी से भी नाम लोग बोलते थे, इसने अब से कुछ दिन पहले अपने एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर, अपने एक राइवल गैंग के मुखिया जिसका नाम प्रदीप जमावड़ी बताया गया था, उसकी इसने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और गैंगस्टर प्रदीप जमावड़ी की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी गैंग के कई सारे लोग, उसके समर्थक इससे बदला लेना चाहते थे, काला लोहार यानी कि काला बड़ाला से बदला चाहते थे। और जब उन्हें एक दिन मौका मिला तब उन्होंने इस काला बड़ाला को मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी था वो भी अब पुलिस की रडार पर आ चुका है, पुलिस ने उसे पकड़ा है, उसका नाम बताया जा रहा है जॉनी,
और जॉनी अब पुलिस के सामने कई एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। तो जॉनी भी प्रदीप जमावड़ी के गांव का ही रहने वाला है, यानी कि जमावड़ी गांव का रहने वाला है। और कहा जा रहा है कि उसने अपने दोस्त प्रदीप जमावड़ी की हत्या को बदला लेने के लिए काला बड़ाला को मौत के घाट उतारा था। और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि काला बड़ाला ने जब 2017 में जॉनी के दोस्त गैंगस्टर प्रदीप जमावड़ी की गोली मारकर हत्या की थी, तभी से जॉनी ने कसम खा ली थी कि जब तक काला बड़ाला को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और तभी से लेकर आज तक उसके खिलाफ जो है उन दोनों के बीच में एक आपसी रंजिश देखने को मिलती थी। और इस बदले की जंग के लिए आए दिन गैंगवॉर की ताक में ये सभी बदमाश रहा करते थे। और एक हफ्ते पहले जब जीतपुरा बस स्टैंड के पास जॉनी को मौका मिला तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर काला बड़ाला को सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके ऊपर करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग किए गए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी चारों हमलावर के जरागीर की गाड़ी छीनकर वहां से फरार हो गए थे। इस हत्या को कुल 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें एक फौज में तैनात सिपाही भी बताया जा रहा था और उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि वो इन सभी लोगों से मिला हुआ है। वैसे आपको बता दें कि साल 2017 में जब गैंगस्टर काला बड़ाला ने अपने ही पहले उसका दोस्त बताया जाता था प्रदीप जमावड़ी, जो कि जमावड़ी गांव का रहने वाला था, और जब वो जेल से बाहर आया था तो काला बड़ाला ने प्रदीप जमावड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी हत्या का बदला लेने के लिए प्रदीप जमावड़ी गैंग के लोग, उसके गांव के लोग जो उसके साथ रहा करते थे, वो काला बड़ाला से रंजिश रखा करते थे और वो काला बड़ाला से मौत का बदला लेने के लिए आए दिन ताक झाक में लगे रहते थे। और एक दिन जब उन्हें मौका मिला तब उन्होंने काला बड़ाला को वैसे ही गोलियों से भून दिया जैसे उसके साथी ने उसे भून दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो हम हमेशा से ही कहते हैं कि गैंग वॉर किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस प्रशासन इस पूरे केस में कहीं ना कहीं बहुत ही मुस्तैदी से लगी, तब जाकर इस केस के जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि अभी जॉनी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब जॉनी उन नामों का खुलासा करेगा कि उसके साथ और 6 लोग जो बताए जा रहे हैं वो 6 लोग कौन हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो हरियाणा की पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से दोनों ही केसों में, चाहे वो सिरसा गैंगवॉर की बात की जाए या फिर हिसार गैंगवॉर की बात की जाए, इन दोनों ही केसों में हरियाणा की पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया। और इतनी मुस्तैदी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर इन दोनों ही गैंगवॉरों में शामिल गैंगस्टरों को पकड़ पकड़ कर, चाहे वो बमीहा गैंग जैसे बड़े कुख्यात गैंगस्टरों के गैंग के जग्गा तख्तमल की गिरफ्तारी क्यों ना हो, हरियाणा की पुलिस ने दिखा दिया कि अगर पुलिस ने शिद्दत से कोशिश कर ली तो गैंगस्टर कहीं भी छिप नहीं सकते। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना अहम होगा, इन बदमाशों से अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है और क्या जानकारियां निकल कर सामने आती है तो बताएंगे हम आपको। बने रहेगा VDF न्यूज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अपराध की दुनिया को लेकर जो खबरें आती हैं उसको लेकर हम आप तक जरूर पहुँचाते रहते हैं। तो इसे उम्मीद के साथ आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे आप हमेशा से प्यार देते आए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।